प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के शिलान्यास किया। इसके साथ 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं में रेल, पर्यटन, शहरी परिवहन और स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाएं शामिल हैं। रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, रेवाड़ी मेरा रिश्ता अलग ही रहा है। मैं जानता हूं कि रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत और सीएम मनोहर लाल खट्टर जैसे कहा कि जब बीजेपी ने मुझे पीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था तो पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में ही था। आपके आशीर्वाद से ही भारत आर्थिक शक्ति में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा। अब मुझे तीसरे टर्म में आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि भारत को 5वें से तीसरे आर्थिक शक्ति के रूप में उभारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर धरा रेवाड़ी से पूरे हरियाणा को राम राम। मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।